हेलो फ्रेंड्स आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं बॉक्स हमें मतलब या आप टेबल में जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उसकी क्वांटिटी है और ये बॉक्स यहाँ पे दिए हुए कि एक बॉक्स में ये कितने प्रोडक्ट हम पैक कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस इतनी क्वान्टिटी को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो उसके लिए भी एक फार्मूला है कोशन फार्मूला इक्वल्स क्यू यू ओ क्वेश्चन टैब ऑटो कंप्लीट करने के लिए और यहाँ पे आप देख रहे दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है वो एक है न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में हमारा क्वांटिटी का सेल आएगा इस प्रोडक्ट का सिलेक्ट करते कॉमा और डिनोमिनेटर में ये जो बॉक्स कंटेंट्स वाला सेल है मतलब एक बॉक्स में कितने प्रोडक्ट हम पैक कर सकते हैं वो सेल सिलेक्ट करना है और इसे क्लोज करके एंटर कर देना है कि वो हमें आंसर दे रहा है कि आपको नाइन बॉक्स चाहिए हो गए वो उतने प्रोडक्ट पैक करने के लिए लेकिन आ, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इक्वल्स ये वाला जो अभी हमारा आंसर आया वो और मल्टीप्लाई ये वाला तो टोटल फोर्टी फाइव प्रोडक्ट्स ही पैक हो रहे हैं लेकिन रिमेनिंग जो है वो हमें निकालना है कितने बच रहे पैकिंग होने के बाद में तो उसके लिए भी आप बिलीव नहीं करोगे एक फंक्शन है मॉड फंक्शन एम ओ डी टैब ऑटो कंप्लीट करने के लिए आ, आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले इस यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था इसमें नंबर और डिविज़र है तो इसमें भी सेम हम दो ही सेल सिलेक्ट करेंगे वो जो हमने पहले किए थे नंबर के लिए क्वांटिटी वाला सेल और ये डिविज़र के लिए ये हमारा बॉक्स कंटेंट्स so, मतलब कितने बॉक्स में कितने हम प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं वो वाला सेल ब्रैकेट क्लोज कर देना है काम ख़त्म हमने अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था फोर्टी फाइव आंसर आया था ठीक है तो तीन प्रोडक्ट हमारे बच रहे थे तो उसने बराबर यहाँ पे तीन प्रोडक्ट शो कर रहा है कि पैकिंग होने के बाद आपके प्रोडक्ट इतने बच रहे हैं तो ये था सिंपल सा ट्रिक दो फॉर्मूले का यूज़ करके हमने काउंट किया बॉक्स कितने चाहिए और कितने प्रोडक्ट्स बच रहे हैं पैकिंग होने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ बाय बाय